को आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर। आ रही है, ठीक है। सिद्धिका इज द ग्रुप ऑफ कंपनी, माई सेल्फ भानु प्रताप सिंह एज ए डायरेक्टर। आज जिस जॉब के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है, ये सेल्स की जॉब है। जैसा कि सबने देख के अप्लाई किया है कि ये सेल्स की जॉब है। किस चीज की सेल्स है ये मैं इसके बारे में बात करता हूँ। आप लोग अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए क्योंकि आपकी तरफ से आवाज आ रही है, वॉइस आ रही है। ऑडियो ऑफ कर लीजिए, उसके बाद 15 मिनट बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेंगे, उसके बाद उसमें बात कर लेंगे वन बाय वन। Why you are choosing sales industry? जैसा कि आप लोगों ने एड में देखा है कि ये सेल्स की जॉब है। प्रोडक्ट क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको क्या मिलेगा इसमें ये जान लेते हैं। काम कैसे करना है वो आप जान सकें। ये सर अपना नेट और नेटवर्क चेक करो ना। कोई बात नहीं, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है। एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव आप 15,000 से 40,000 रुपए अर्न कर सकते हैं। एज ए टीम लीडर 40,000 to 60,000 अर्न कर सकते हैं, राइट। काम क्या है? वेलनेस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम है। अगर आप अपना भविष्य वेलनेस इंडस्ट्री में देखते हैं तो ये जॉब आपके लिए है। मार्केट साइज क्या है? एट प्रेजेंट $8.2 बिलियन इन 2020 एंड 25 2025 तक $16.4 बिलियन, ऑलमोस्ट डबल। एयर प्यूरिफायर का मार्केट साइज क्या है? 2020 में यहां है, 2027 में यहां आ जाएगा, 25-26 में यहां पर आ जाएगा। कौन से प्रोडक्ट में हम डील करते हैं? एयर क्लीनिंग प्रोडक्ट, एयर प्यूरिफायर, यूवी लाइट्स, एलईडी लाइटिंग एंड मेनी मोर, राइट। आपको काम करने में क्या मिलेगा और आपका काम क्या है? अगर आपका टर्नओवर महीने का 2 लाख रुपए रहता है तो आपको क्या मिलेगा? 1 से 5% तक इंसेंटिव मिलेगा जो लगभग 10,000 रुपए होते हैं, प्लस 12,000 की सैलरी मिलेगी, प्लस बाइक एक्सपेंस मिलेगा। टोटल अर्निंग आपके 25,000 के आसपास होगी। अगर आपका टर्नओवर 4 लाख आता है तो सेम वही मिलेगा, 1 से 5% इंसेंटिव, तो लगभग 20,000 रुपए आपका इंसेंटिव बनेगा, प्लस 2% एडिशनल इंसेंटिव मिलेगा, प्लस सैलरी मिलेगी 12,000 रुपए की। आपकी अर्निंग लगभग 44,000 के आसपास होती है। कैसे कर सकते हैं वे टू ज्वाइन? जॉब ओपनिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ गुड़गांव के लिए है। जो लोग गुड़गांव के हैं उनके लिए ये जॉब ओपनिंग है। 3 तरीके हैं इसको ज्वाइन करने के, एज ए फ्रीलांसर, एज ए बिजनेस और एज ए जॉब। जॉब अगर आप गुड़गांव में करने में इंटरेस्टेड है तो ये जॉब आपके लिए है। अदरवाइज 2 तरीके ये हैं, एज ए फ्रीलांसर आप ज्वाइन कर सकते हैं और एज ए बिजनेसमैन ज्वाइन कर सकते हैं। कौन लोग सक्सेस होंगे इस बिजनेस में या इस सेल्स इंडस्ट्री में? जो ड्रीमर होंगे, जिनको बड़ा कुछ चाहिए, या दूसरे वो लोग होंगे जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरे वो होंगे जिनके पास बिजनेस एटीट्यूड होगा। बिजनेस एटीट्यूड तीनों को मैं डिफाइन कर देता हूं। ड्रीमर मींस कि आपने कुछ ना कुछ करना है और बड़ा करना है, क्योंकि सेल्स इंडस्ट्री में वो लोग सफल नहीं होते जिनको ये लगता है कि हम 5-10 हजार रुपए कमा लें बस बहुत है। उनकी सफलता के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि उनका एफर्ट भी बहुत उसी तरह से होता है। सेल्स इंडस्ट्री में सक्सेस सिर्फ और सिर्फ वही लोग हो सकते हैं जो अपने आप को अपग्रेड करें, अपने प्रोडक्ट के बारे में डीप नॉलेज जिनको होगी वही अपने आप को यहां पर सफल देख पाएंगे। दूसरे वो लोग होते हैं जिनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तीसरे वो लोग होते हैं जिनके पास बिजनेस एटीट्यूड होता है। बिजनेस एटीट्यूड मतलब कि अगर कोई काम कहा गया है तो उसमें जिम्मेदारी पूरी की पूरी मेरी है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप कोई दुकान खोलोगे
तो सारी जिम्मेवारी आपकी है। सेल्स इंडस्ट्री हमेशा उसी दुकान की तरह है कि सब कुछ आपको ही करना है, आपको प्रोडक्ट भी पहुंचाने हैं, आपके कस्टमर तक भी पहुंचना है, आपको जाके उसको डेमो भी देना है, ये सब कुछ करना है। जिनके पास बिजनेस एटीट्यूड होता है, ये तीन तरह के लोग सक्सेस होते हैं। आप अपने आप को देख लो कि इन तीन में से कहां आप फॉल करते हो। अगर इन तीन में से कोई हो तो सफलता के चांसेस हैं, अदरवाइज आप, हम सजेस्ट करते हैं कि आप अपना समय यहां खराब ना करें, कुछ और ढूंढ लें। राइट, काम क्या करना पड़ेगा आपको, इंडस्ट्रीज में जाना है। जाने के लिए पहला आपको घर बैठ के सर्च करना है कि कौन सी इंडस्ट्री है और उसका कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है। जो कॉन्टैक्ट पर्सन होगा उससे बात कर लेनी है। आपको घर से तब तक नहीं निकलना जब तक कि आपके पास अपॉइंटमेंट ना हो। यहां सर इस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, RWA, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन। आज की डेट में सब कुछ गूगल पे मिल जाता है, कौन सा RWA है, कहाँ है, कारपोरेट ऑफिस कहाँ है, कंस्ट्रक्शन साइट कहाँ है, होटल्स कहाँ है, हॉस्पिटल कहाँ है, सब कुछ गूगल पे मिल जाता है। और मेंटेनेंस के लोगों के नंबर मिल जाते हैं जिनसे आप बात करके जा सकते हैं, एंड ऑल द इंडिविजुअल, क्योंकि एयर प्यूरिफायर आने वाले समय की डिमांड है, यूवी लाइट्स आने वाले समय की डिमांड है। आज जो लोग ये सोच के बैठ रहे हैं कि भाई ठीक है ये नहीं तो कुछ और कर लेंगे, उनके लिए आने वाला समय कैसा होगा ये इस स्लाइड से समझ सकते हैं आप लोग। दो हफ्ते में करीब 5 करोड़ लोग हो गए बेरोजगार। एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही, बिजनेस नीचे जा रहा है और इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है। $2.3 बिलियन से $3 ट्रिलियन लास्ट मंथ टच कर गई। क्यों टच कर गई? क्योंकि ई कॉमर्स इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, वेलनेस इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है? जॉब्स कम हो रही है तो ये बढ़ कैसे रहेंगे, उसका रीजन क्या है, आइए आगे देखते हैं। अनएम्प्लॉयबिलिटी ए बिगर प्रॉब्लम देन अनएम्प्लॉयमेंट। जॉब ढूंढ रहे हैं लोग लेकिन जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं, क्योंकि आज जॉब उन्हीं के पास है जो जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। कोविड में भी जॉब उन्हीं की गई जिन्होंने जिम्मेदारी नहीं उठाई। जिनके बिना कंपनी चल सकती थी उन्हें ही निकाला गया, जिनके बिना नहीं चल सकती थी उनको इंक्रीमेंट मिला है, उन्हें निकाला नहीं गया। ये सिचुएशन है, हमारी यूनिवर्सिटीज इस तरह से लोगों को प्रोड्यूस कर रहे हैं और जॉब सबको चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। इंडस्ट्री बढ़ती रही है। प्रमोद क्या अपना ऑडियो ऑफ कर लो, मिस्टर प्रमोद, मिस्टर प्रमोद आप इंटरव्यू देने आए हो और अगर उस जगह बैठ के आप बात करोगे तो क्या क्या सुनोगे आप? जॉब का ये हाल है, क्यों है? क्योंकि आउटसोर्सिंग बढ़ती जा रही है। स्कूल कॉलेजेस में लोग आज या तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या रोबोट्स पढ़ा रहे हैं। फॉरेन में शुरू हो चुका, यूरोपियन कंट्री में शुरू हो चुका, यहां पर भी होने वाला है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में रोबोट्स आ गए, जॉब्स जा रही हैं, लेकिन इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग और इस तरह के बहुत सारी चीजें होती जा रही हैं। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो 6 दिन का ये आपका इंटरव्यू, 6 दिन ट्रेनिंग चलेगी, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी और 6ठे दिन आपका रिव्यू किया जाएगा कि अगर आप अपने आप को फिट देखते हैं फिर आपको अपॉइंटमेंट लेटर रिलीज कर दिया जाएगा। करना क्या होगा? करना यह है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नेम, एड्रेस, फादर नेम एंड प्रोफेशन, मैरिटल स्टेटस, ईमेल आईडी, यस आई एम रेडी टू डू दिस जॉब एंड वन रीजन व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन सेल्स इंडस्ट्री। ये आपको अपने व्हाट्सएप पे जिस नंबर से आपको कॉल आई थी या जिस नंबर पे आपने अपना अपना ऐप पे देखा हुआ है उस नंबर पे आपको रिप्लाई करना है। रिप्लाई करेंगे फिर आपका ट्रेनिंग शेड्यूल कर दिया जाएगा। आफ्टर 6 डेज रिव्यू योर स्किल, देन अपॉइंटमेंट लेटर विल बी रिलीज्ड। आज की इंफॉर्मेशन एज में आपकी नॉलेज के बराबर ही आपको पैसे मिलते हैं। इन 6 दिनों में जो लोग करना चाहेंगे, अपने आप को अपग्रेड करेंगे, उन्हीं को पैसे मिलेंगे। तो यही मेरा प्रेजेंटेशन समाप्त होता है। यदि आप लोगों के कुछ सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो 1 by 1 अपने आप को अनम्यूट करें और थोड़ा सा शांत जगह पर रह के अनम्यूट करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा और पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? हेलो
हाँ जी अजय, आदित्य जी बताइए। सर बेसिकली आई वाज लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम जॉब। पार्ट टाइम जॉब चाहते हैं तो एज ए फ्रीलांसर आप ज्वाइन कर सकते हैं, एज ए फ्रीलांसर कर सकते हैं अगर पार्ट टाइम चाहिए तो। ओके और राइट नाउ लाइक आई एम इन दिल्ली यूनिवर्सिटी बट आई लिव इन राइट नाउ इन रांची बिकॉज़ माय कॉलेजेस आर नॉट ओपन राइट नाउ। यू कैन डू ऑन रांची, दिस इज द टेक्नोलॉजी युग एज, आप कहीं भी रहते हो क्या फर्क पड़ता है, आपके पास इंटरनेट है, फोन है, आप कर सकते हो एज ए फ्रीलांसर, तो आप कहीं से भी कर सकते हो। ओके सर, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स डू यू नीड? रिक्वायरमेंट ये लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया, आपने लिख के भेजना है आपका नाम, एड्रेस, फादर नेम एंड प्रोफेशन, आपका मैरिटल स्टेटस, ईमेल आईडी, यस आई एम रेडी टू डू दिस जॉब एज ए फ्रीलांसर। वन रीजन व्हाई यू आर चूजिंग सेल्स इंडस्ट्री, आपके पास ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से आप सेल्स में आना चाहते हैं? ओके सर, राइट, थैंक यू सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। ओके मिस्टर प्रमोद, ओके हैव अ गुड डे।